मैं सैयद सुल्तान, चेयरमैन मैक एविएशन एकेडमी। बड़ी खुशी की बात है, आज गांधी भवन में नेशनल सॉलिडेरिटी कमेटी की जानिब से महात्मा गांधी जी का 150वां बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, और उस दरमियान मैक एविएशन एकेडमी के स्टाफ और स्टूडेंट्स को अफजल साहब बुलाकर, नेशनल सॉलिडेरिटी कमेटी के प्रेसिडेंट है वो बुलाकर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन हमारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को दिए हैं। अफजल साहब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते रहते हैं बीच बीच में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स भी ये जो हज के फ्लाइट से हज ऑपरेशन था अभी 2018 में, बहुत अच्छा काम किए हैं। जो काफिले यहाँ हैदराबाद से रवाना होते हैं जिद्दा के लिए, उसमें सऊदी एयरलाइंस के स्टाफ और एयर इंडिया सैट्स के स्टाफ के साथ मिलकर बेहतरीन काम किए हैं रात और दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन को सक्सेस किए हैं। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इवन हज कमेटी मेंबर्स का भी, वो लोग भी काफ़ी ताउन किए हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो लोग बहुत ही बेहतरीन अपना काम अंजाम दिए हैं। तो और एक मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ आप लोगों के थ्रू, जो स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाह रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में, तो उनके लिए मैक एविएशन एकेडमी हमेशा ओपन है, और हमारे ब्रांचेस हैं 4 हैदराबाद में, किसी भी ब्रांच पर वो कांटेक्ट करें और एडमिशन लें। उसके बाद हम ट्रेनिंग देंगे 2 या 3 महीने की, उस और आसानी से जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट्स को। और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं एयरपोर्ट पर, जॉब कर रहे हैं, और वो लोग भी मेरे साथ हैं अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं अस्मा हूँ मैक एविएशन एकेडमी से। ऑलरेडी मैं एयर इंडिया सैट्स में जॉब कर रही हूँ, ठीक है। आई रियली थैंक्स फॉर माय एंटायर टीम, माय मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सुल्तान सर एंड अहमद सर, लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमें नहीं, हमारे जो भी ब्रांच के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको सपोर्ट करते हैं, 100% जॉब गारंटी मिलती है, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहता है। मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ, सो मैं उन सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और हमारे जो भी अभी न्यूली जो स्टूडेंट्स हैं, तो लोग को सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कौन से स्टाफ का है, कौन से अकेडमी का है, हमारे 4 ब्रांचेस हैं और सबको इक्वालिटी में देते हैं। तो हज ऑपरेशंस में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, और काफ़ी लोगों ने एयरपोर्ट में जॉब भी लोग को मिल चुका है। सो आई रियली थैंक्स फॉर माई एंटायर टीम एंड माई एविएशन टीम, थैंक यू। हज़ारों के मैक एविएशन एकेडमी का जो मेरे को जो है सो 100% रिप्लेसमेंट दिलाए हैं एयर इंडिया सैट्स में, और जो है सो अब मैं दूसरे जनों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि वो अच्छा से अपना करियर के लिए मैक एविएशन एकेडमी पे आ सकते हैं। और मेकू बोल के ने मैक एविएशन 100% रिप्लेसमेंट मेकू बोल के ने और दूसरों को भी बोल के दिलाया है, और हज ऑपरेशंस भी पूरे करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं दूसरी जगह भी बहुत जॉब्स सर्च करते फिरा, बट मैक एविएशन में मैं जब आया मेरे को एक सिंगल वर्ड सेंटेंस इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता था, मैं यहाँ पर वो सीखा इंग्लिश भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीधा सीखा। जज़ाकल्लाह। Never imagine I could achieve anything like this in my career. Thanks for all the wishes. I will continue working hard to reach more targets. And thanks to each and everyone for the massive support they have given me. Especially I, from the bottom of the heart, I want to thanks Mr. Sultan sir, who is the managing director of MAC Aviation Academy. And thanks for the everyone who has given me the supported and each and every time. Thanks to Imtiaz sir and each and everyone who has given me the support in the bad times and encouraging me to do this occupation in the fastest growing industry. And I want to thank all the faculty of the MAC Aviation Academy.